लोकसभा चुनाव पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में राजनीतिक पार्टियों को नसीहत दी। इस दौरान उन्होंने शायरी और दोहे का सहारा लिया है। राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों से गुजारिश करते हुए कहा कि कैंपेन के दौरान पर्सनल अटैक से बचें और डेकोरम को मेंटेन रखें। इसके बाद उन्होंने उर्दू अदब के मशहूर शायर बशीर बद्र का ये शेर सुनाया, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अपनी स्पीच के आखिरी हिस्से में सीईसी राजीव कुमार ने ईवीएम पर भी बात की। जो लोग ईवीएम में खामी निकालते हैं उन पर कटाक्ष करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ इस अंदाज में कहा कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो और बाद में गोया परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि ये लाइनें उन्होंने खुद से लिखी हैं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन EVMs are 100% safe.